हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑन अब्बास क्रिकेट गैलरी। गाइस, आज बात करने वाले हैं फ्रंट फुट डिफेंस के बारे में। फ्रंट फुट डिफेंस का प्रॉपर तरीका क्या है, उसको आप किस तरह से सॉलिड बना सकते हैं। अगर आप मिस्टेक्स करते हैं फ्रंट फुट डिफेंस करने में, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। गाइस, आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलार, बहुत अच्छे अंडर 13 के हमारे बिगिनर्स हैं, बड़े अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन हैं। इनके साथ आज काम करने वाले हैं इनके फ्रंट फुट के ऊपर। तो चलिए, ये फ्रंट फुट डिफेंस करेंगे, इनकी जो मिस्टेक्स हैं उनको मैं कवर करूंगा, तो आप भी इस वीडियो के साथ मुस्तफीद हो। थोड़ा आगे आ जाओ। अब इनका जो पिछला पाँव है, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये ग्राउंड पर है लेकिन ओपन हो रहा है, टो की तरफ है। तो इनका कुछ इस तरह है, ठीक है, तो इसको साइड ऑन रखना है, इनको साइड ऑन करो ऐसे। पिछला जो इनका पाँव है वो ग्राउंड पर ही रहेगा इस तरीके के साथ, ऐसे नहीं, ऐसे ही रहेगा। जब पाँव ऐसे रहेगा तो बॉडी साइड ऑन रहेगी, ठीक है गाइस। उसके बाद हेड जो है वो बॉल के ऊपर, ठीक है, फ्रंट फुट टो जो है टुवर्ड्स द बॉल, जहाँ से बॉल आ रहा है उसी तरफ टो की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है गाइस। और बैट का जो फेस है वो भी बॉल की तरफ ही रहेगा। दोबारा खेलो, ठीक है, फेस देखो बैट का, फेस सीधा करो, हाँ अब सही है। अपर हैंड इसको टाइट रखो, इसको स्लो कर, इसको वो कर, ढीला कर दो। अपर हैंड आपका जो है इसमें वो थोड़ा सा टाइट रहेगा, मीन्स के डोमिनेट होगा, ठीक है। और आपका जो बॉटम हैंड है वो लूज रहेगा, ताकि बॉल की जो फोर्स है वो कम हो सके, ताकि आप अच्छा सॉलिड डिफेंस कर पाएँ, ठीक है। मेक श्योर करें कि बॉल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। बॉल को देखो आंखों के सामने, आंखों के नीचे, ठीक है, और बॉल को बैट के साथ लगता हुआ देखें। एक्सीलेंट, क्या बात है, ठीक है गाइज। इसके लिए हम एक ड्रिल करने लगे हैं, मैं इनको फुल टॉसेस करूंगा, ठीक है, इनकी नी हाइट के ऊपर, ठीक है, और उस पर ये अपना फ्रंट फुट पर आएंगे और उसको अपनी आंखों के सामने सर के नीचे डिफेंस करेंगे। वेल डन, एक्सीलेंट। बैट एंड पैड क्लोज रखो, ध्यान नहीं रहना चाहिए। वेल डन। अब डिफेंस करने के बाद आपने वहाँ पर अपने बैलेंस को बरकरार रहना है, ठीक है, एक या दो सेकंड के लिए आपने वहाँ पे जैम कर देना है अपने आप को, ठीक है, और अपने अलाइनमेंट को देखना कि क्या मेरी अलाइनमेंट ठीक है, मेरे बैट और पैड में गैप तो नहीं है, अगर गैप है तो उसको कवर करो, ठीक है, देखो कि क्या मैं अपनी आंखों के सामने खेल रहा हूँ, अगर नहीं तो उसको ठीक कर रहा है। गुड, टो की डायरेक्शन ठीक करो, आपको टो इधर ऑफ की तरफ जा रहा है, उसको सीधा रखो। अगर बॉल आपको मिडिल स्टंप की लाइन में मिल रहा है, ठीक है, आप मिस्टेक एक कर रहे हो, आपका जो फ्रंट टू है वो ऑलवेज थ्रू द कवर्स आ रहा है, ठीक है, आप अगर मिडिल स्टंप की बॉल को भी खेल रहे हो तो आपका जो टू है वो इस तरफ जा रहा है, कवर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसको अगर मिडिल पे बॉल मिल रहा है तो उसको सामने ही रखना है, सामने से खेल रहे हो तो टो आपका सामने रहेगा, इधर नहीं जाएगा। जब आपको ऑफ स्टंप पे या ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर बॉल मिलेगा तब आपने ऐसे जाना है, आपका जो टू है वो हमेशा बॉल की डायरेक्शन में रहेगा,
ठीक है। अब इस पर जरा फोकस कर रहे हैं, अपने टो के ऊपर गौर करो जरा। गाइस दूसरे नंबर पर हम ड्रिल करने लगे हैं, उसमें हमने ये छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाई हैं हमने इस एरिया में जहाँ पर आप फ्रंट फुट डिफेंस करते हैं, ठीक है। फ्रंट फुट डिफेंस हम करेंगे इस एरिया में, मैं इनको ओवर आर्म बॉल्स डालूंगा, ओवर आर्म, ठीक है। और ये इनको हेल्प होगी बॉल की लाइन को जज करने में, ठीक है। इनको बेहतर तरीके से पता चल पाएगा कि बॉल किस लाइन में आ रहा है, ठीक है। जिस लाइन में बॉल गिरेगा, ठीक है, तो ये उसकी लाइन में जाकर फ्रंट फुट डिफेंस करेंगे। गुड गुड। गाइज ये थी आज की हमारी फ्रंट फुट के बारे में वीडियो। हमारे साथ थे मोहम्मद सरार, बिल्कुल नए नए से ये हमारे पास आए हैं, नया स्टूडेंट आई है हमारे। और हमारी जो तवक्कोआत थी उनसे बेहतर उन्होंने खेल के दिखाया है। और आने वाले फ्यूचर के इंशाल्लाह ये अगर इसी तरह मेहनत करते रहे तो ये बहुत अच्छे प्लेयर बन सकेंगे, ठीक है। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।